हाँ, ठीक है साहब, आप ढूंढने की कोशिश तो करो, इधर उधर ही होंगे कहीं। देख लो कोई रेलवे स्टेशन है, कोई बस स्टैंड है, कोई उनकी रिश्तेदारियों में, ढूंढो तो सही। हम भी लग रहे हैं, सारे गांव के लोग ढूंढने लग रहे हैं, सारे लग रहे हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, मैंने भी कई जगह फोन किया जी, ना अभी तक तो कुछ पता नहीं चला जी। देखो मेंबर साहब, आज हमारे गांव से एक लड़की भाग गई है, जो बहुत दुख की बात है। आज तक हमारे गांव में ऐसी घटना कभी नहीं हुई है। आप ठीक कह रहे हो सरपंच साहब। देखो माँ बाप अपनी लड़कियों को इसलिए पढ़ाते हैं कि वो पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करे, लेकिन कुछ लड़कियां अपने रास्ते से भटक कर कुछ गलत कदम उठा लेती है, जो बहुत बुरी बात है। अरे यार, मेरे राज में आप ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? आखिर बात क्या है? तुझे पता नहीं है, अपने गांव से एक लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई है। वो है ना कालू, उसकी लड़की है ना दापुड़ी, वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता ये बात। अरे हो क्यों नहीं सकता, हमने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखा दी, पुलिस भी उसको ढूंढ रही है और सारा गांव भी उसको ढूंढ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता सरपंच साहब, बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे वो भाग गई है, सारे उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। बिल्कुल झूठ सरपंच साहब, बिल्कुल झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे यार मटरू, वो हमारे स्कूल में ही तो पढ़ती थी। अरे गोलू राम, मैं भी तो स्कूल के चक्कर काटता रहता हूँ, वहीं तो मंडराता रहता हूँ मैं। अरे सारे गांव को पता है, हमने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवा दी है, लेकिन तू है जो मानता ही नहीं। सरपंच साहब ये बिल्कुल झूठ है, मैं नहीं मानता ऐसी बात को। अरे क्यों नहीं मानता तू? सारा गांव ढूंढ रहा है, सारी पुलिस ढूंढ रही है, गांव की आन बान का सवाल है, सबको पता है कि वो भागी। सरपंच साहब ये कोई साजिश है, ये बिल्कुल झूठ है, मैं तो नहीं मानता। तो तुम कैसे मानेगा? सरपंच साहब मैं तो जब मानूंगा जब वो मेरे साथ भागेगी।